दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे FIIs के बारे में। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक। FII और बाजार से संबंधित न्यूज अक्सर ही अखबारों में छपता रहता है। ये ऐसे संस्थागत निवेशक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। FIIs अपने देश के लोगों से भारी मात्रा में निवेश के लिए फंड एकत्रित करते हैं और अलग अलग देशों के शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं। इन लोगों के पास फंड काफ़ी विशाल मात्रा में होता है और ये भारी मात्रा में खरीदी एवं बिक्री करते हैं, जिसका असर शेयर बाजार और उस देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में खरीदारी करते हैं तो बाज़ार ऊपर की ओर जाता है, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में बिकवाली करते हैं तो बाज़ार नीचे की ओर जाता है। वर्तमान समय में भारतीय शेयर बाज़ार पर FIIs का ऐसा वर्चस्व है कि लगता है कि शेयर बाज़ार को FIIs ही चला रहे हैं। भारतीय शेयर बाज़ार में FIIs का एक्टिव रहना हमारे देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ता है। इससे स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी और पैसा दोनों बना रहता है। पोर्टफोलियो नियम के तहत FII शेयर बाजार के प्राइमरी एवं सेकेंडरी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। किसी भी FIIs को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपना पंजीयन एवं रजिस्ट्रेशन सेबी और RBI के पास करवाना होता है तथा इनके सभी नियमों का पालन करना होता है। सभी FIIs की अधिकतम निवेश की राशि भारतीय कंपनी के पेडअप कैपिटल का 24% तक का होता है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी और विशेष प्रस्ताव पारित करके निवेश की अधिकतम सीमा को 24% से बढ़ाया जा सकता है। साल 2008 की मंदी को भला कौन भूल सकता है। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी तो उसका डायरेक्ट असर भारत के शेयर बाजार पे भी देखने को मिला था। भारत के शेयर बाजार भी लगभग क्रैश हो गए थे। तब FIIs ने भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली की थी, जिसका असर ये हुआ कि भारत के शेयर बाजार भी क्रैश हो गए थे और लाखों इन्वेस्टरों का पैसा डूब गया था। इसका डायरेक्ट असर भारत की इकोनॉमी में भी देखने को मिला था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।